सौभाग्य है कि मैं बिजनौर में पैदा हुआ, ये इसलिए नहीं है कि मैं बिजनौर का हूँ, ये इसलिए है कि भारत में 384 जिले घुमा हूँ। 384 जिलों में ये भाई लाइन करते हुए इनके जिले में पहुंच जाता हूँ। सड़कें भी टूटी हुई है, गाड़ी पड़ जाती है, तो 384 जिलों में जब गए और अपने जिले को कंप्लेन किया, जहाँ पे हम हैं, अपनी जलवायु को, यहाँ के लोगों के व्यवहार को, अपनी मिट्टी को, सबसे बड़ी बात पानी को, इतना खूबसूरत माहौल कहीं नहीं पूरे भारत में, भारत के बाहर के लगभग 7-8 कंट्री में जाने का मौका मिला। खेती सीखने के लिए गया, अपने कस्बे से गया, एक भारत में चला हुआ है। 2012 के दौरान मैं भारतीय सेना में था, 2001 में भर्ती हुआ, 2012 के आसपास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है भारत पाकिस्तान से, आतंकवादी आते हैं तो वहाँ अखबार पहुंचते हैं, लेकिन 3 दिन में पहुंचते हैं, जैसे आज का अखबार तो परसों पहुंचेगा। अचानक से ऐसे खाना खाने गए तो अखबार मैच बंद थी, बोले भाई ये 15 मिनट है ना स्कूल में, तो अखबार पलटने लगे तो फ्रंट पेज पे एक महिला ने 2 बच्चों के साथ साथ बच्चे के पुराने टाइम पर हुआ था, मुझे अच्छे से याद है फोटो, बच्चियां रही होंगी कोई 8-10 साल के आसपास, महिला मरी ठीक है, क्योंकि मौत बहुत देखी, मौत से डर खत्म हो गया, ट्रेनिंग भी खत्म हो गया था उसके अंदर पास का, लेकिन वो बच्चे आप सोचो महसूस करके कि जब बच्चों के गले में फंदा डाल रही होगी, क्या वो उस महिला पे गुजर रही होगी, क्या वो बच्चे समझ रहे होंगे मम्मी गले में फंदा डाल रही है। अब वो बात दिमाग पे इतनी ज्यादा चोट कर गई, इतनी ज्यादा चोट कर गई कि वहां से मतलब ऐसा शरीर में बेचैनी होगी, मन में बहुत ज्यादा छुट्टी लिया, मन नहीं माना, वहां गए, जब उस क्षेत्र में गए तो साहब वहां ये तक नहीं पता लोगों को कि फौज क्या होती है, आर्मी का काम क्या होता है। उन्होंने पूछा मैं आर्मी काम करता, आर्मी क्या करती, बोले नहीं फौज क्या होती है, उनको समझाना मुश्किल हो गया। भारत तो वहां जागरूकता कितनी जबरदस्त वाली कही थी कि आपकी खेती आपको नहीं पता कैसे करनी, अगर मैं सेना में हूं और मेरी बंदूक चलानी मुझे नहीं आती तो भाई साहब मैं फिर फौजी बनने के लायक हूं, सीधी सी बात। तो जागरूकता नहीं थी, मन में विचार बने, किसान के बच्चे थे, गरीबी तो बचपन से देखी, इसमें तो कहने वाली बात भी नहीं, चावल के मान में दादा को दिया, सूद तो मिला नहीं देने के लिए बचपन, और वहां से मिट्टी हाथ उठाई और फिर कसम खाई के सारे जिले के किसानों को जागरूक करें, टारगेट मिल गया और वहां से खेती सीखनी स्टार्ट की, जो उन्नत किसान थे उनसे सीखी, लेकिन सीखने के बाद निष्कर्ष निकला कि 88% लोगों को खेती करना आता नहीं, बस वो किसी तरह हम लोगों ने सुधार करके बचे हुए जान बचाए हुए। ये पदन जी से मेरी लंबी होगी तो मैंने कुछ भी मार के दिखा दिया, मेरा कहना लंबा अपनी कुछ बताया नहीं और पौधे मैंने तो सस्ते कर डाले, तो ये झूठने किसान का बेटा राग किया। गवर्नमेंट के पास वो आंकड़े जाते हैं जो आप शो करते हो, जिला कृषि अधिकारी यदि मेरे खेत पे आते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र वाले यदि मेरे खेत पे आते हैं, तो मुझे उन्हें वास्तविकता से रूबरू कराना चाहिए कि सर मेरे गन्ने का एवरेज 43 क्विंटल प्रति बीघा से ज्यादा जा नहीं रहा है, 30 बीघे जमीन में हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनियों के लालच में आकर के, कुछ फुट पे लालच में आके, सर्टिफिकेट के लालच में आकर के, जान अब अधिकारी को तो नहीं पता बेचारों को कहाँ जाना है, हम उनको अपने खेत के 2-4 जो मेरे जुगल के पास पकड़िया लगा रखे हैं, हमने उनके पास जाकर फोटो भिजवा के आ जाते हैं। अब सरकार के पास सुगर मिल के पास जो सर्वे करने आते हैं, दूसरी बात आप लोग क्या करते हो, 20 बीघे जमीन और फोन कितने का भरते हो, 300 क्विंटल फाल को गन्ने का फोन भरते हो, तो गवर्नमेंट के पास उसके भी आंकड़े जाते हैं। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि 2012 में गन्ना हो रहा था इस किसान के पास 20 बीघे जमीन में 300 क्विंटल का एवरेज की बात बता, आज ये किसान 1500 क्विंटल का फोन भरा, तो यार भाई टिप्पणी हुई, अब तुम झूठ नहीं बोल सकते, फोटो तुम्हारे सरकार के पास, आंकड़ा तुम दे रहे हो, फोन तुमने भरा, तो तुम झूठ तो बोल रहे हो कि हमारे यहाँ टिप्पणी नहीं हुई। तो वास्तविकता से रूबरू करवाना भी बहुत जरूरी है कि साहब एवरेज जो है वो 43 का है, मैं तो फोन इतने गए भरूंगा, पहली बात। दूसरा साहब जागरूकता फैलाने की बात है कि हमने खेती सीखी और सीखते सीखते फिर लोगों को जब हम पारंगत हुए, ज्यादातर मैंने ये देखा जब मैं खेती कर रहा था तो मैं जिनसे पूछता था तो उन्होंने मुझे फोन से बताया कि खुद पे कभी प्रयोग नहीं किए, ये आंकड़ा 70% ज्यादा कर रहा, अगर मैंने किसी से 100 चीजें पूछी
तो 100 चीजों में से 70 चीजें मैंने वो आपको बताई जो मैंने कभी जितने में मेरे खेतों में की नहीं, हरोल के धाम क्या मन किया मार दिया। अब उससे आपका नुकसान हुआ, कुछ का फायदा हुआ, मैंने प्रैक्टिकल किए, तो ये प्रैक्टिकल की किसान को बर्बाद कर रहा है। आप और हम और ये साइंटिस्ट, हम तीनों की कॉम्बिनेशन एक ऐसा है कि हम सब मिल करके एक रास्ता निकाल सकते हैं। आप लोग जमीन के वैज्ञानिक हो, ये पढ़े लिखे वैज्ञानिक है, हमें जहाँ इनकी जरूरत पड़ती है इनको साथ मिलो, जहाँ इनको हमारी जरूरत पड़ती है हम साथ मिले। इसीलिए हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं आप लोगों को सही और टेक्निकल जानकारी देने के लिए। जहाँ पे गिरी फंसती है वहां पर मैकेनिक काम नहीं करता, इंजीनियर आता है, तो ये इंजीनियर है हम लोगों की खेती के, खेती को सिखाना किया और शुरुआत की किसान कार्यशाला की, गाँव गाँव जाकर के लोगों को सिखाना, क्योंकि मेरे दिमाग में भूत चढ़ा हुआ था किसान नहीं मानने तुम्हारा आत्महत्या से, जो मैंने वो देखा था। उसके लिए धीरे धीरे आपने एक मंच बनाया, शुरू में 19 करोड़ आज मेरे पास लगभग 9.5 लाख लोग पूरे 384 जिलों में उपलब्ध हैं पूरे भारत में, और बढ़िया खेती कर रहे हैं। खेती कैसे कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कोई प्रोडक्ट बेस्ड खेती है, केवल आप लोगों को जागरूक होना है। आप लोगों ने पहले देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे हमसे 20 साल पहले पीछे चले, ज्यादा पीछे नहीं आते, हमारे हर घर में मच्छर नहीं होता था। मेरी बात को ध्यान से सुना, अब है काम की बात, आपका तो मैं पापा से कर रहा हूँ, मच्छर दही दूध और गुड़ हम ये चीज ज्यादा पीते थे। ये क्या है, ये सारे की सारे फंगस है, मित्र फंगस। आप मलाई को रोज उतारते हो, एक हंडिया में डालते हो, रोज उतारते हो हंडिया में डालते हो, 15-12 दिन में ये मलाई सड़ती है, तब जाकर के मम्मी उसको रई लगाती है। हाँ या ना, हाँ तो बोलो, ऐसे लगती है ना सड़ी हुई मलाई की, फ्रेश मलाई का मक्खन नहीं बनता, वो क्या है सड़ा हुआ, वो फंगस है। अब आप उस नूनी घी को रोटी के साथ खा रहे हो, उस मथे को पी रहे हो, किसके साथ, गुड़ के साथ, तो गुड़ और मथे का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया में। जब आपके पेट में, गर्भ में, आंत में ये बैक्टीरिया गई, ये फंगस गई, तो इसने अपना घर बनाया। अब आपके पेट में जो भी चीज जा रही है ये उसको बचा करके सीधा मसल्स को दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमने मथे और दही से दूरी की और गुड़ से दूरी बनाई, शहद से दूरी बनाई, वैसे ही हमारे पेट में जो बाहर से बाजार का आया हुआ खाना है उस खाने की मात्रा बढ़ती गई और बैक्टीरिया की कम होती गई, तो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया ने भोजन को पचाना कम कर दिया और भोजन सड़ना शुरू हो गया। अब ये सड़ने वाला भोजन बॉडी क्या करती है, जो एक्स्ट्रा होता है जो वो नहीं पचा पाती है या उसको कम रूप में पचाती है, तो उसको फैट के रूप में रिजर्व में रख लेती है। आपके खेत में कट्टा बच गया, 40 किलो खाद डालने गए, 35 किलो खाद डाला तो 5 किलो फेंकोगे नहीं, ताकत के रिजर्व में रख लोगे। कमरे के अंदर गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जब 1 साल के बाद वो पत्थर बन जाएगा, उसमें दबाव मिलेगा, तो उसको क्या करोगे, कुड़ी में फेंक दोगे, खेत में नहीं डालोगे। ऐसे ही शरीर करता है, फिर तुम्हें होता है कैंसर, फिर होती है डायबिटीज, आपकी जो चर्बी है, मोटापा क्यों बढ़ा, उसके अंदर की बात बता। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, जब बैक्टीरिया आपके पेट में पूरे होंगे तो आप पिज्जा खा लो, रोज चाउमीन खा लो, रोज बर्गर खा लो, कंट्री कंट्री में बाहर गया। हमारे देश में लोग एक चीज बोलते हैं, आपने देखा होगा, पिज्जा बर्गर मत खाओ, ये नुकसान देते हैं, तुम्हें नुकसान दे रहे हैं। बोला आप जाओ एशियन कंट्रीज, भाई साहब लड़के लड़की क्या बॉडी है उनकी, पेट में रत्ती चर्बी नहीं, शरीर में लचक इतनी के थकान के नीचे वो निकल जाए और खा गया है पिज्जा बर्गर, लेकिन उनके पेट में बैक्टीरिया है भाई साहब। वो लोग हरी सब्जी खाते हैं, फल ज्यादा खाते हैं, हमने वो चीजें छोड़ दी। हमारे जीवन में जो मैं खाता वो पोल्ट्री खा गई और चाय आ गई। हम जो नंदी जी खाते थे उसी जगह बीड़ी लेली, सिगरेट लेली, हुक्का भी बंद कर दिया लोगों ने, सूर्ति आ गई हमारे जीवन में। उसके बाद उम्मीद कर रहा हूँ डॉक्टर के नहीं जाऊंगा, नॉट पॉसिबल, जाओगे 100%। अभी 80% किसान अगर कैंसर का टेस्ट कराने चले जाए तो पॉजिटिव निकलेंगे, टेस्ट करा नहीं रहे हो लड़के माने, इसीलिए कैंसर नहीं आ रहा है। जिस दिन कराओगे उसी दिन कैंसर निश्चित है। आज जाके देखो मेरे घर में मेरी मम्मी और पापा दोनों कैंसर पेशेंट है, 1-4 में मेरे पापा 1-4 में है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इतना पागलपन का, जो मैं अच्छी खासी सेने के लोगों से बिहार से लेके 1.25 लाख रुपए की सैलरी, तो बहुत टॉप पोजिशन में था, और वहां से मैं यहाँ गाँव गाँव में धक्के खा रहा हूँ पहले डिग्री में लोगों के, मेरा तेल मेरी गाड़ी मेरा पैसा मेरा वोट, 1 रुपया किसानों से नहीं लेता पूरे भारत में, कोई किसान बता दे मुझे 1 साल में 2.5 लाख से ज्यादा में तो मैं टोल टैक्स भरता हूँ गाड़ी का, कोई ये करता है कौन, किसके लिए, आप लोगों के लिए, और बिजनौर के नाम पूरे भारत में रोशन कर रहा हूँ, फ्री हैंड है, कोई पैसा नहीं। तो ये आपने क्या किया, ऐसे जमीन में किया। 1962 के दौरान हमारी स्थिति थोड़ी खराब थी, हमने कुछ रासायनिक फर्टिलाइजर दिए, लेकिन बैक्टीरिया डालने के लिए मना नहीं किया था तुमने, अगर आप पिज्जा खा रहे हो तो दही खाने के लिए मना नहीं, भाई साहब आप रिप्लेस नहीं कर सकते पिज्जे को दही से, आपको मच्छा पीना ही पड़ेगा। अगर आप शाम को समोसा खा रहे हो तो
क्योंकि ये मुझे समस्या को फंसाएगा कि मैं खर्च ना को तेल को जो बना है आपने मच्छे बंद कर दिए, मतलब आपने गोबर की खाद बंद कर दी, आपने जीवन रथ वगैरह चलाने बंद कर दिए और आपको लगा कि यूरिया डीएपी आ गया और हमसे बड़ा राजा कोई नहीं, हमसे बड़ा गधा कोई नहीं था, हमने इनको बंद कर दिया और इनको बढ़ा दिया। आज जमीन के अंदर टॉक्सिसिटी की हालत ये है कि आपकी जमीन 100% किसानों की बीमार है, 100 की 100 में कहा सरकार की बात अलग है। एक कहावत है अपने यहाँ मस्जिद जा कर मान लीजिए अंत में खड़े सवाल का मतलब है कि 90 अंधे 10 के हाथ एक आंख होगी तो वो लगता है कि नहीं कि ये सवाल अच्छा है हमारा दोनों आंख है नहीं किसी के, हमारी जमीनों की हालत इतनी खराब है। अगर आपके मन में ऐसा बहम हो कि यूरिया डीएपी से खेती होती है तो सरकार की सत्ता की लाने रखे, ये कुछ भी नहीं डालते और 4-5 फसलें ले रहे हैं और ऐसे बिहार क्षेत्र में तो हमारी ले जाने में ज्यादा घंटा लग गया था, अब देखो कितने जागरूक आदमी है। तो हमने खेतों में बैक्टीरिया डालने काम कर दिए और बैक्टीरिया जब डालने काम हुए तो पैथोजेंस मतलब जहर उनके बैक्टीरिया बढ़ते चले गए। यूरिया डीएपी पोटाश मैग्नीशियम सल्फर कैल्शियम ये जहर नहीं है, आपको रहता रहता है आप आपते हो जहर 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 नहीं है, इनको देने का तरीका जहर है। 10 किलो यूरिया कहां जहर, बिल्कुल जहर नहीं था, आप रिजल्ट आएगा आपकी जमीन भी खराब होगी। 50 किलो जहर है, 1 क्विंटल जहर है, 1.5 क्विंटल जहर है, जहर है क्या आधा लीटर पियो पता चल जाएगा क्या है, बादाम जहर लेकिन 1 किलो खाओ क्या होगा, अब इससे खाओ ना। ऐसे ही फर्टिलाइजर के साथ साथ अगर हम बैक्टीरिया को बढ़ा रहे खेत में, अब हमें क्या करना है आज की स्थिति में जो मैं कर रहा हूँ, मैं खेत में केवल बैक्टीरिया बढ़ा रहा हूँ, मच्छर पिला रहा हूँ केवल बस कि भाई 15 दिन मच्छर पियो गुड़, उसके बाद जब देखिए तेरे को डायबिटीज हुई क्या, तेरा शुगर कितना है, तेरे शरीर में आपको हड़का बंद हुई कि नहीं, तेरे पैर का दर्द गया कि नहीं गया, 15 करिए मैं तो फिट हूँ। आपके खेत में अगर आप हर महीने 5 किलो सरसों की खाद, 2 किलो गुड़ और 10 किलो कच्चा गोबर, 1 किलो ये मटीरियल, 1 किलो गुड़, 1 किलो आलू उबला हुआ उसको मिक्सी में पीस लो या बाल्टी में हाथ से पानी कर लो और उसके साथ में आप ले लो आपका 2 लीटर ले लो मक्खा या दही ले आओ, दही को पिलो लो मक्खा बना लो, आप इन दोनों चीजों को अपने खेत में छोड़ के देखो, भले ही आप कोई सा भी खाद डाल रहे हो किस विधि से भी खेती कर रहे हो, अगर आपको सुपर रिजल्ट नहीं आए तो मुझे ये पकड़ के ला कर हमें पता ही नहीं ये चीजें करनी है। बैक्टीरिया ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा हर्जीन ट्राइकोडर्मा मीरी सुडोमोनास विवेरिया बिस्याना मेटानेजिलिन सोफले पैसिलोमाइसिस ये सब नाम अंग्रेजी है, मगर इन वैज्ञानिकों का धन्यवाद करो कि इन्होंने हमारे सामने इन चीजों को ला के सोयो जानकारी रख दिया। पैसिलस सर्पिलिस पैसिलस फ्रेंजेसिस इनमें से 3 ग्रोथ प्रमोटर है, कुदरती ग्रोथ प्रमोटर 4 फंगिसाइड और 5 कीटनाशक है। आपके खेत में ऐसा कोई कीड़ा नहीं, कोकोनट टोपर आ गया था, कोका वही आ गया, ये कहां से आया, भागु नगीना बीजों के पास में कहीं से आया, आपके खेत में है सही वातावरण उसको मिला, एक तापमान मिला तो उसके बाद ये जर्मिनेशन हुए और आपके ऊपर अटैक किए, अब आप इस पे क्या कर रहे हो, टेम्परेरी उपाय कर रहे हो, मतलब आपके ऊपर मच्छर आया और आपने हिट मार दिया, थोड़ी देर के मच्छर चला गया फिर दूसरा मच्छर आया फिर हिट मार दिया, भाई मच्छरदानी नहीं लगा सकते, मच्छरदानी ज्यादा बढ़िया है कि हिट मार कर बार बार कर रहे हो ज्यादा बढ़िया है, हिट से आप भी मर रहे हो साथ में, आप मच्छरों को खत्म नहीं कर सकते, प्रकोशन ले सकते हो। तो यदि आपने ये सारी चीजें अपने खेत में चलाई ये बहुत सस्ती है, आपके पास 10 बीघे जमीन हो गया 100 बीघे 1500 रुपए का खर्चा एक साल का, इनको ला के अपने ड्रम में मल्टीपिल कर लो और 10-10 लीटर अपने पानी के साथ एक एक महीने में एक बार खेत में छोड़ दो, तो ये सारी चीजें खेत में जाकर के कानूनी बनाने की है। बात याद रखो बैक्टीरिया बीमारी को बैक्टीरिया ही ठीक करेगा, आपने रासायनिक चीज भी डाली कुछ समय उसमें दबाव बना वो बंद हुआ और फिर दोबारा वो बीमारी आ गई फिर दवाई डाली आपको ट्रैप में फंसा दिया कि बेटा मेरे पास आते रहो और दवाई लेके जाते रहो, ऐसे कर रहे हो ना, भी फलानी दवाई ले आओ उसका स्प्रे मारो उसका स्प्रे मारो, अगर ये बैक्टीरिया जमीन से छोड़ दोगे, चौंकपुरी गांव में मेरा खेत है पेटी खड़ी मेरी 38 की उसमें एक मुश्किल से जुताई हुई थी, बड़ी मुश्किल से, वो भी ऐसी वाली हुई थी जो ट्रैक्टर के पीछे होने की वजह से चलता है आजकल बन रहा है वाले में नदी वाली है वो, उसके अलावा केवल मैं बैक्टीरिया कल्चर 700 दिखा मेरा यूट्यूब चैनल है आपको दे दूंगा कि पर्ची 21 में से जाना मेरे पास है इसमें मेरा नंबर वगैरह सब है, किसी को कोई समस्या कभी मुझसे पूछ सकते हो फ्री इलाज है। केवल बैक्टीरिया छोड़ रहा हूँ मैं और मेरा गन्ना नीचे से लोग ये कह रहे हैं यार इतने टेम्परेचर में इतनी गर्मी में ना तो तेरा पत्ता सूखा और गन्ना इतना मोटा बना कैसे ये बैक्टीरिया से, तो ये बैक्टीरिया आपको खेत में चलाओ आप लोगों का भला इसी से होगा। और हमारे चैनल है किसान कार्यशाला यूट्यूब पे आप उसको देखो, ये डिकम्पोजर है क्या कारण दिया इसका बदलना कैसे बनाना है, ठीक है।
बीमारी खत्म हो गई। अब बात आती है यूरिया की पूर्ति कैसे करें, डीएपी की कैसे करें, मैग्नीशियम की कैसे करें, सल्फर की कैसे करें। तो बजाय 5-5 किलो के गोलियां खरीदने से दुकान पे जाके आप इनके बैक्टीरिया को चलाओ, समझ रहे। बार बार दूध लेने डेयरी पे जाने का अच्छा है कि घर पे आया था। तो जब बैक्टीरिया आपके खेत में रहेगा तो नेचुरल तरीके से जो पड़ी हुई है उसको खत्म कराएगा। आपने मिट्टी जांच की रिपोर्ट में देखा होगा कि उपलब्ध नाइट्रोजन, उपलब्ध फॉस्फोरस, वो उपलब्ध तो है लेकिन मिलेगी तब तक नहीं जब तक जमीन के अंदर बैक्टीरिया नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ज्यादा देर तो नहीं बोल रहा हूँ। ये उपलब्ध बैक्टीरिया ये भी कितने रुपए के, ये 1500-1600 रुपए के आ जाते हैं बैक्टीरिया। इनको लो 200 लीटर के ढंग में डालो, 2 किलो गुड़ डालो, 1/2 किलो 1 किलो आलू बाद बेसन में डालो, इसका भोजन है। अब 10 दिन में ये बनकर तैयार है 200 बोरी नाइट्रोजन यूरिया डीएपी का। अब आप इनको हर पानी पे 5 लीटर पानी के साथ छोड़ दो अपने खेत में। गंगा नाम है, आप दुकान पर नहीं जाने की जरूरत है। आपका जो डीएपी पड़ा हुआ है पहले से उसको घोल करके देने का काम इनका है। हम यहाँ आगे सर्टिफिकेट रखे हम अपना ले जाएंगे ना, देने वाला थी ना बीच में, वो देने वाला ही नहीं, देने वाला सभा, हम यहाँ बैठे तो हम लेंगे नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? खेत में उपलब्ध फॉस्फोरस है, डीएपी है, लेकिन मिलेगा कैसे बैक्टीरिया से? बैक्टीरिया कहाँ है? अब यार हम तो कर लेंगे। अब बताओ कितने किसान ऐसे एक दो किसानों को, 10-5 किसानों को छोड़ गए, आप ज्यादातर तो हो गए ये सब उन्नत किसान है जो इन बैक्टीरिया पर काम कर रहे हैं। बहुत कम इस घोल के अंदर हो सकता है खाने की सब, हमको भी हम सब लोग चुनिंदा लोग हैं, वरना तो लोगों को पता है इसका बैक्टीरिया क्या होगा, उन्हें पता गंदा होना ये भी क्या ये लिया बोलिया दवाइयों के नाम पता है। बैक्टीरिया भूल गया मथे को छोड़ दिया आपने, तो खेतों में अगर आप बैक्टीरिया ले आए नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन के चार आते हैं पहले को बैक्टर ऐसे को बैक्टर एक दशा भाई भाई साहब रे दीजा ओ दीजा हमारा दीजा खराब है, अब लोग बचाओ, तब आपको आवाज़ नहीं आ रहा है।
मेरी गाड़ी में बैठ के तो छोड़ के भी नहीं जाऊंगा मेरा खेत देखा और पूरे खेत में 10 पेटे साले ऐसे ले आना जिनमें टोकर हो या जिनको कोई फंगस लगी हो। पेटी 38 की बात कर रहे हैं, 40 बीघे से ज्यादा खड़ा है, ढूंढ के दिखाओ कहीं क्यों नहीं है बीमारी। मैं कोई मच्छर लगा रहा किया, मैं भगवान का भैया हूँ, मैं ये बैक्टीरिया चला हूँ। इनका खर्चा क्या है, 1500 रुपए में मेरी 50-60-70-80 बीघे जितनी जमीन है, मैं 1500 रुपए में उनमें खेती कर रहा हूँ। तो तुम कितना लगा रहे, 50-50 हजार। दुकानदार के सामने निकलते भी नहीं, मैं शर्म के मारो मुंह छपा के निकलो दबर ले बैठ के पैसे मांगने का पीटर साहब के दिए ना। और अगर साथ दूसरी दुकान ढूंढते हो अब वो आता है घर बाकी भैया आएंगे तो घर में मुंडे नीचे घर में कहते हैं ना कर पा जाएगा अपने आप। समझ में आई, फिर से कार्ड वाले बैंक वाले ढूंढ रहे तुमने। और अभी सुविधा था किसानों के मन में, यहाँ पे पैसे तो मेरे सामने हो लेकिन दिमाग में अभी यार ब्याज कहाँ से आओ, पूरे 2 लाख रुपए किस तरह हूँ मैनेजर साहब पूरे करवा दो 2000 रुपए ले लियो। कहीं मेरे जैसे उठ रहे हैं किसी जैसे उठ रहे हैं, अबे भैया जब तक अपनी खेती ठीक नहीं करोगे तुम्हारी दुर्दशा कोई ठीक नहीं कर सकता। किसान का कोई भी है नहीं ये दुनिया में, मैं तुम्हें सच्चा बता रहा हूँ एकदम कड़वी, ये सब तुम्हारे लेने वाले हैं। समझ रहे हो, बैक्टीरिया के बारे में आज तक क्यों इतना नहीं बोले लोग मुझे नहीं पता, जबकि बोलना चाहिए। 100 साल पहले बैक्टीरिया को निकाल करके हमारे सामने बैक्टीरिया रख दिए, और बैक्टीरिया को कोई बात नहीं करता तो पागल बताओ जो बैक्टीरिया को बात करे। मच्छरदानी लगाना ज्यादा सही है या हिट लेकर के हिट मारना ज्यादा बढ़िया है? तो मच्छरदानी के बारे में क्यों नहीं बता रहे लोग, नीचे भी मच्छरदानी रखी है तुम उस पर बैठे हो और मच्छर तो खुश रहे हो लेकिन कोई ये बताने तैयार नहीं कि मच्छरदानी लगा रहा है। मच्छरदानी तो टीवी में भी ऐड आता, कहीं भी नहीं आता, सही चीज होगा। मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ कि मेरे जैसे आदमी को रोकने के लिए बहुत प्रयास हुए, लोग डर भी रहे थे, फिर लोगों ने कहा कि भैया कैमरे पे मैं बोलना नहीं चाहता, मुझे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बहुत कुछ कांड किए मेरे साथ लोगों ने, गाड़ी पे हमले से लेकर के हर चीज तक मेरे साथ करके ले गई कि ये भाई रुके तो रुकना था तो मैं 2001 रुक जाता, अगर मौत से डर होता तो भाई सीधी सी बात से ना तो मौत को ताक पर गया। 2001 में जब भर्ती हो गए थे उसी दिन मेरे भाई जी सहस उसी से प्रणवता बलिदान करना चढ़ गई, अब दूसरा बच्चे आगे तो ग्रेस पीरियड है। तो लोग सही चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, वो आप ही के लोगों के बीच के लोग होते हैं। आप लोग बैक्टीरिया बेस्ड खेती करो, किसी को भी खेती में कोई समस्या आती है आप लोगों को तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है कम से कम 4, मेरी एक संस्था चलती है किसान कार्यशाला के नाम से, ठीक है, पूरे भारत में यूट्यूब पे चैनल लग रहा, केवल वीडियो देख लोगे खाद पे लेट करके तुम्हारा उद्धार उन्हीं से हो जाएगा। सारी चीजें घरेलू हैं, सारी चीजें सस्ती हैं, सारे के सारे नुस्खे वो हैं जो आप अपने घर में कम खर्च में कर सकते हो। मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ खेत की, तो मुझे 5 बीघे करना और लागत लिख लो, अगले साल अगर तुम आगे पैर नहीं पकड़ते तो जूता मार दूंगा। भैया थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तुम्हारा पेट अंदर हो जाएगा, फायदा रहेगा। इतना बड़ा ढाई ज्यादा पेट लेके घूम रहे हैं नाम है तो आपसे बुकिंग कर जानी गलत कह रहे हूँ, पहले को ट्रैक्टर लिखो मैं फार्मर, नो फूड नो फार्मर, मैं किसान, तुम्हारी खेती मजदूर कर रहे हैं किसान, तो कुर्सी ना भरी जा रही है 20 क्विंटल की, वहां जाकर क्वार्टर लियो मैं गन्ना डालने जाओ तो हाथ पीक आ गया, इतने का गन्ना डाला इतने हाथ पीक आ गया। तो आप इसे सुधारो, बैक्टीरिया की खेती पे आओ, और आप लोगों को किसी को भी अगर अपने गांव में कहीं कोई किसान चौपाल लगानी है शुरू से लेकर अंत तक, जिसमें मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ खेत की तैयारी से और आपका गन्ना कटने तक गेहूं धान कटने तक, वो निःशुल्क कराते हैं। मैं आपकी गाड़ी से आऊंगा, मेरा तेल मेरा पैसा मेरा बोर्ड मेरा चोक मेरा पेन, आप लोगों का पानी के लिए देता हूँ, मेरी गाड़ी में रहेगा पानी, मन करेगा पिला देना नहीं तो जरूरत नहीं, ऐसे 2 घंटे खड़ा होकर बोल के चला जाऊंगा, तो मुझे आप संपर्क कर लेना मुझे बता देना। अभी आप लोगों की जो समस्याएं हैं जैसे प्रोमोटर है पोखरा बोइंग है, ठीक है, चल समय नेविगेटर आ गया है, इनके उपाय है केवल और केवल और केवल बैक्टीरिया, नहीं तो इन साइंटिस्टों से भी पूछ लेना जहां खड़े हुआ आपको बचाएगा। ट्राइकोडर्मा आर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा ग्रेडी, जमीन के नीचे की फंगस खत्म, ट्राइकोडर्मा ये सुडोमोनास, सुडोमोनास करेगा जमीन से ऊपर के फंगस को खत्म। उसके बाद आता है आपका पेंसिलोमाइसिस, ये आपके निमेटोड को मारेगा, हर फसल में लगता है लेकिन तुम्हें पता नहीं लगता निमेटोड क्या हो। निमेटोड होता है कि जमीन में खाद दिया और ऊपर से भी स्प्रे किए, अंगी साइड भी डाला, कीटनाशक भी डाला, लेकिन फिर भी फसल ग्रोथ नहीं कर रही, तुम्हारे निमेटोड फसल के अंदर समझे, ये दूर करता है पेंसिलोमाइसिस। वर्टिसिलम नकानी, जमीन के अंदर जितने भी कीटों के अंडे पड़े हैं उनको खाने का काम उसका है, अगर ये अंडे से लार्वा बनता है तो बैसिलस थोरिंजेसिस उसको खत्म करता है खा करके,
अगर लाल वैसे लाल मुट्ठी के लाल बन गया जो चढ़ काटती है आपके हृदय में, देखिए फिल्म ने सबने देखी होगी, उसको खत्म करेगा विवेकी अभिषेण और दीमक को खत्म करेगा विवेकी अभिषेण। अगर इसके बाद भी बन करके पत्ते के ऊपर चला गया तो इसको कौन मारेगा? इसको मारेगा मेटाडियम एनिसोप्ले। ये नौ रोगों का नौ चक्र भी हो, अगर आपने अपने खेत में ये जिंदा बैक्टीरिया छोड़ दिए तो इनकी एक खास बात है, ये हर तीन घंटे में तीन गुना होते हैं। अगर आपने एक करोड़ छोड़ दिए तो हर तीन घंटे में ये गुना तीन गुना तीन गुना तीन आपके खेत में बढ़ेंगे। अभी पैथोजन जहर इतना ज्यादा है खेतों में कि ये बैक्टीरिया को काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन ज्यादा है। जैसे कारगिल में हमारे साथ हुआ था, अचानक से पाकिस्तान आके बैठ गया और हमें पता नहीं लगा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा बहुत जिम्मेदारी करनी पड़ी और हमने उनको ठोक दिया। ये हमारी ताकत है जज्बे की। तो अगर हम अभी से बैक्टीरिया को अपने खेतों में खूब चलाएंगे और खर्चा कुछ नहीं 1500 रुपए का, अगर हम इन बैक्टीरिया को चलाएंगे खेतों में तो ये आपकी सारी बीमारी ढूंढते रह जाओगे आप ढूंढते। और क्या चाहिए? जहर मुक्त देश, जहर मुक्त आपके खेत में जो गन्ना बनेगा वो आपके मन को तसल्ली। स्प्रे नेचर में कर सकते हो, अभी स्प्रे करके तीन दिन तक सोचते हो कैंसर तो नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा, घबराइए मत, होना जरूर है, इसलिए नए नए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, 20 किलोमीटर का कैंसर हॉस्पिटल है। तो भैया बैक्टीरिया क्या हो, बैक्टीरिया क्या है, मैंने कोशिश समझाने की करी है, बहुत लोग बोर भी हो जाएंगे मेरे, मैं तो नहीं होता, मतलब आधे दिन के मिनट बोल देता हूँ। जिस किसी को और भी कोई शंका समझ रहा हो तो ये चैनल पर मेरी इसकी पूरी वीडियो पड़ी है, दोनों ढाई ढाई घंटे की, आप उस पर जाके देख सकते हो, कक्षा में आपको अभिमान दूंगा। उसके अलावा मेरे लिए कोई सेवा है तो निःशुल्क है, मैं कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे दो आदमी नहीं हूँ, मैं ही आदमी हूँ। मैं किसी भी किसान से पूरे भारत में या भारत के बाहर कंसल्टेंसी नहीं लेता, साउथ अफ्रीका तक हमारी खेती हो रही है, चैनल पर वीडियो बनी जो किसान वहां पर कर रहे हैं जबरदस्त इन्हीं चीजों से, और गन्ने की बहुत सारी वीडियो पड़ी है, केले की पड़ी है, केले पर मैं खेती करता हूँ, केले की गन्ने की करता हूँ, अरहर की भी करता हूँ, सब तरीके की करता हूँ और सबसे कम लागत में करता हूँ। यहाँ बहुत टॉप के किसान हैं, फसल सिंह जी हमारे सब्जी साहब हैं, नीटू भाई हैं, यहाँ आपके बिजनौर ने आपके मिथ तोड़ दिए कि खेती में कुछ नहीं है, ऋतुराज जी इंजीनियर थे, खेती कर रहे हैं 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं 5 बीघे में, ये बैठे आपके सामने सरदार जी हैं, 1 रुपया खर्च नहीं करते, मेरी वाली खेती करते जो मैं बता रहा हूँ, बैक्टीरिया खेती कोई डी ए पी यूरिया कुछ नहीं, 5-5-6-6 फसल ले रहे हैं, एक से एक बड़े किसान यहाँ पड़े हैं सुपर स्टार। और आप सभी लोगों को मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग गांव में जाकर के लोगों को बता सकते हो, भाई हमारे बीच में एक पागल भी है जो लोगों को फ्री में समझा रहा है, तो आप थोड़ी बहुत बात समझने की कोशिश करो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बचाने वाला कोई नहीं है, और बचाने वाला ज्यादा देर नहीं जीतते इतना भी आ रहा है। तो मेरी एक लिमिट है बोलने की, 50 साल के बाद मेरा भी शरीर जवाब दे जाएगा भाई, और 10 साल बचे उसके बाद मुझे भी आराम चाहिए शरीर, मैं भी बताया हड्डियां धुन गया कोई मैं खड़ा था और अब भी लगातार घूम रहा हूँ। एक नई गाड़ी 3 महीने में कितने किलोमीटर चल सकती है भाई? हाँ 24,000 किलोमीटर चली घड़ी तुम्हारे सामने 5-3 महीने में, क्या स्पीड से चलाई होगी मैंने, और भारत के 7 राज्य घूमा हूँ पिछले 3 महीने में, वीडियोस पड़ी हुई हैं, हर गांव में हर किसान, ऐसी जगह गया हूँ जहाँ लोग जाते नहीं, मीडिया नहीं जाता है वहाँ पे, उन किसानों के दुख दर्द हार के आया तो भाई तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, कोई होया मत हो मेरे को बताओ तुम्हारी क्या समस्या, क्या लोग कुछ नहीं, भैया आपको क्या मिल रहा है? सकून मिल रहा है, वो जो औरत और बच्चा मरे थे उसके बाद मुझे वो सुनना नहीं, जो किसान मेरे साथ है वो किसान आत्महत्या की स्थिति में नहीं आना चाहिए, लाना थे मेरे जीवन ऐसे ही शायद उस जमाने में भगत सिंह वगैरह शुरू की होगी, मुझे लगता है जिस तरीके से पागल बना है, और मेरा ये जोर ढीला नहीं हुआ अभी तक, मेरी बात यह है इतने साल हो गए वरना आगे ढीला हो जाता है बहुत बढ़ना, जितना पब्लिक मेरे पास आ रही जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ उतना लग रहा है। तो आप लोग बैक्टीरिया बेस्ड खेती करो, अपने खेतों में आग मत लगाओ, गन्ने की पत्ती वहीं पर अच्छी करो, कुछ भी प्रधान जी को जाओ देख जाओ बढ़िया खेती कर रहे हैं, वो ही बताते तो बताना मत कर दिया, तो इन चीजों को आप करो,